सुशीला उपाध्याय, स्टार न्यूज, मुंबई। एग्जाम्स यानी कि परीक्षाओं का मौसम है और परीक्षा के दिनों में छात्रों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब आपको बताएंगे आपके एक पसंदीदा कलाकार, धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान यानी कि रजत टोकस। जो टिप्स होंगे बच्चों के लिए वो यही होंगे कि कभी भी आप, मतलब पहला टिप ये होगा कि कभी भी आप किसी चीज को पढ़ें तो उसे रटे ना, क्योंकि रटने से क्या होता है, कभी कभी एक मान लो अगर आप किसी एक वर्ड पे अटक जाते हैं तो आप आगे की पूरी चीज भूल जाते हैं। तो किसी चीज को रटे ना, उसे समझें कि क्या लिखा है, उसे याद करें। दूसरा टिप मेरा ये होगा कि कभी किसी चीज को पढ़ें तो उसे एक समय तक याद रखें, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दें, क्योंकि दिमाग का रेस्ट होना बहुत जरूरी है कि अगर आप दिमाग को सडनली एकदम इतना मतलब बहुत ज्यादा काम करेंगे तो फिर एक लेवल पे वो बंद हो जाता है काम करना। आप ज्यादा से ज्यादा दिन में कम से कम एक या दो घंटा टेलीविजन देखें, उससे आपको रिलैक्स हो जाएगा और बहुत ही फ्री माइंडेड मतलब टेलीविजन देखें, कुछ भी देखें या फिर कुछ खेलें या फिर खाएं या फिर सो जाएं, आराम करें दिन में दो घंटा। तीसरी चीज, हमेशा मतलब एक्स्ट्रा पेंसिल, एक्स्ट्रा स्केल्स या फिर एक्स्ट्रा जो भी चीज है वो हमेशा दो कैरी करके रखें, ताकि अगर कोई भी चीज खराब हो जाती है तो आप दूसरे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के आधे घंटे में आप उस पेपर को वापस पढ़ें, स्पेलिंग चेक करें, रिविजन करें वापस से, मतलब याद करें आपने क्या याद किया था, आपने क्या लिखा है, और पेपर को कम से कम एक या दो बार रीचेक करें। तो रीचेक करने से भी होगा कि मान लो अगर आपकी कोई गलती होती है, जैसे हम छोटे छोटे वर्ड्स लिखना भूल जाते हैं कभी कभी, इज दैट, दिस दैट, दो, कभी हम भूल जाते हैं क्योंकि हर बार में हम पूरा आंसर लिख देते हैं, तो वो एक शब्द आपका मार्क काट सकता है, क्योंकि अगर आप कोई चीज क्लियरली नहीं लिखते हैं, अगर आप उसे अच्छे तरह से नहीं समझाएंगे आपके टीचर को कि आपने क्या लिखा है, तो उसकी वजह से आपका मार्क्स कट हो सकता है। तो पेपर ही चेक करें। बस मेरी तरफ से इतनी टिप्स होंगी, क्योंकि ये टिप्स मुझे मेरे टीचर ने बताई थी, मतलब मेरे जो ट्यूशन टीचर ने, क्योंकि मैं ज्यादातर शूट पे बिजी था तो मैं अपने जितनी क्लासेस थी वो अटेंड नहीं कर पाया हूँ, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं जो नहीं पढ़ पाया था वो मुझे उन्होंने मुझे ऐसे तरीके बताए थे ताकि मैं अपना एग्जाम्स अच्छे से लिख पाऊँ। ये चुगलखोर आंटी बिना कभी बाज नहीं आएगी, हर रोज वो टीवी की दुनिया में घूमती रहती है और पर्दे के पीछे की मजेदार और चटपटी बातें चुन चुन कर लेकर आती हैं, और हमें ये सब सुनने में बड़ा मजा आता है ना। तो चलिए आज एक बार फिर सुनते हैं कि क्या कहती हैं हमारी चुगलखोर आंटी, आज किसकी चुगली है उनके पास।